है आपका इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीपीओ 2019 के पेपर। तो और हम ये डिस्कस कर आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9 दिसंबर शिफ्ट 2 का पेपर, जिसको प्रस्तुत कर रहा हूं मैं यानी अमन त्रिवेदी। आप मेरे बारे में यहां पे पढ़ सकते हैं, आई हैव बीन एजुकेटेड एट अन एकेडमी एंड यू कैन रीड अबाउट मी मोर हियर। और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का मेरा आईडी है आपका @amantrivedi, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा, जहां पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा अमन त्रिवेदी नाम से मेरी आईडी है। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 25 क्वेश्चंस ऑफ आपके एसएससी सीपीओ के 9th दिसंबर शिफ्ट 2 के पेपर। अभी हम डिस्कशन करेंगे उसी 25 के आगे 26 नंबर क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद में हम बाकी के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो 26 क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। कहता है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वर्ड विच मींस सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन लिखा है वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका गलत लिखा हुआ है, मिस टाइप है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। इसको आप लिख लीजिए वन हु होल्ड्स, लेट्स जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको यहीं पर लिख देता हूं। इसको यहां पर लिखा जाएगा वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। ठीक है, तो इसके लिए जो टर्म आपसे पूछ रहा है कि इसके लिए टर्म क्या होगा आपका, कि वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, तो उसके लिए आपसे टर्म यहाँ पे पूछ रहा है, व्हाट विल बी द टर्म फॉर दिस। आपको बताना है व्हाट विल बी द टर्म फॉर दिस, कि वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, जो एक पोस्ट को होल्ड कर रहा है, करता है विदाउट एनी सैलरी, तो उसके लिए टर्म क्या होगा आपका। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। इसका आंसर आपसे पूछ रहा है, यानी कि एक वो पद पे रहता है लेकिन उसको कोई सैलरी नहीं मिलती, तो इसके लिए जो सवाल आंसर होता है वो होता है आपका ऑनरेरी, यानी कि उसे सम्मान पूर्वक कोई पोस्ट दी जाती है लेकिन उसके बदले में कोई उसे सैलरी नहीं दी जाती है। सो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑनरेरी विल बी द सैलरी आंसर। हाईब्रो मतलब हो जाता है जो अपने आप को कंसीटेड है, जो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, अपने आप को बहुत कुछ समझता है, तो ये एक तरीके से एरोगेंट कह सकते हो आप इसे। वॉलंटियर देखिए क्या होता है, वॉलंटियर में क्या करना होता है, आपको सैलरी इसमें भी नहीं मिलती लेकिन इसमें आपको काम करना पड़ता है, तो वन हु वर्क्स विदाउट सैलरी, अपनी मर्जी से लेकिन यहां पर वो काम करता है, उसे कहते हैं वॉलंटियर। सेमेरिटन मतलब हो जाता है गुड पर्सन, हेल्पफुल पर्सन। ठीक है, तो ऑनरेरी क्या हो जाएगा, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। यहां पे ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पार्सीमनी। पार्सीमनी का सिनोनिम क्या होगा, पार्सीमनी का सिनोनिम आपसे पूछ रहा है क्या होगा। पार्सीमनी मतलब होता है पार्सीमनी, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, माइजर, पेनी पिंचर, इन सभी का मतलब होता है कंजूस। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रूगेलिटी। जेनरोसिटी मतलब होता है बहुत ही उदारवादी होना, बहुत ही लिबरल होना, बहुत ही खुले दिल का होना। रेडीनेस जो रेडी है, और बाउंटी मतलब होता है किसी के सर पर रखा गया इनाम। जैसे कि आपने हाल में सुना होगा, ईरान हैज प्लेस्ड $8 लाख बाउंटी ऑन ट्रंप्स हेड। तो बाउंटी मतलब हो जाता है किसी के सर पर रखा गया इनाम। ठीक है, आपका बाउंटी मतलब मनी गिवन एज अ रिवॉर्ड, किसी के जो सर पे जो एक आप एक इनाम रख देते हो उसे कहते हैं बाउंटी। ठीक है, तो बाउंटी इज अ रिवॉर्ड, ठीक है, जो किसी के सर पे रखी जाती है। किसी के सर पे रखी जाने का मतलब है किसी के एक किसी को, जैसे आप कहते हैं ना, गब्बर ने कहा था कि कितना इनाम रखे हमारे सर, हमारे ऊपर सरकार, तो वो बाउंटी कितना रखे है, तो बाउंटी इज दैट वर्ड। ठीक है, चलिए, आप में से अगर किसी को अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। सो दीज आर माय टू कोर्सेज, वन ऑफ देम इज कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश वोकैबुलरी फॉर एसएससी सीजीएल 2019, जिसकी क्लास मेरी 7 बजे से 8 बजे तक होती है, और दूसरा कोर्स है कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर थ्रू एमसीक्यूज, जो कि जिसकी क्लास 8:30 से 10 बजे तक होती है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स भी 4 बजे से 6 बजे तक शुरू हो रहा है 20 जनवरी से, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 8299117042, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है।
टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो एट अमन त्रिवेदी, जहाँ पे आपको मेरी मेरे बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये मेरा रेफरल कोड आप नोट कर लीजिए AMANT, जहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5400 रुपीज़ का है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4320 का मिलेगा। वंस यू टाइप माई कोड दैट इज AMANT। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। कहता है रन अराउंड इन सर्कल का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, बताइए। रन अराउंड इन सर्कल, तो रन अराउंड इन सर्कल का मतलब हो जाता है कि आप गोल गोल लगातार घूम रहे हो, बट यू आर नॉट रीचिंग टू अ कंक्लूजन एंड यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग, आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप लगातार कंटिन्यूअसली घूम रहे हो। तो आंसर यहां बन जाएगा टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, कुछ हासिल किए बगैर आप कुछ काम में लगातार लगे हुए हो, कर रहे हो, तो उसे कहेंगे रन अराउंड इन सर्कल, सर्कल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश टू सॉल्व अ सम, ठीक है, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें, आई डैश टू सॉल्व अ सम यानी कि आई ट्राई टू सॉल्व अ सम। देखो ट्राई हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं कुछ परमानेंट इवेंट्स के लिए। अब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, इस समय सॉल्व करने की कोशिश करो, परमानेंट तो कोशिश करोगे नहीं, तो आप यहां पर ट्राई तो लिखोगे नहीं। हैव ट्राइड लिखा है, ये क्या है, परफेक्ट टेंस, तो हैव ट्राइड, आई हैव ट्राई टू सॉल्व अ सम, आप पास्ट की बात बता नहीं रहे हो क्योंकि आपका पास्ट के खत्म हुए तुरंत एक्शन कोई बताता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट तो ये भी नहीं होगा। ट्राइड कहीं पर हमने पास्ट का एडवर्ब नहीं लगाया है जो हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखें, तो ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ सम, तो आंसर बन जाएगा यहां पर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन That cannot be approached easily, जिसको आसानी से अप्रोच नहीं किया जा सके, जिस तक आसानी से ना पहुंचा जा सके। तो देखो inevitable मतलब होता है जिससे बचना मुश्किल हो, which cannot be avoided, जिससे अवॉइड नहीं किया जा सकता। Invincible का मतलब हो जाता है जिससे जीता नहीं जा सकता, which who cannot be defeated। Inaccessible मतलब हो जाता है जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। और inaudible मतलब हो जाता है जिसे सुना नहीं जा सकता, which cannot be listened। तो आंसर क्या बनेगा, inaccessible, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है आपको आइडेंटिफाई करना है एरर जिसमें आपके हो। क्वेश्चन लिखता है नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप। तो एरर बहुत ही एविडेंट है इसमें, बहुत ही क्लियर है भाई। यू क्या होता है, हमारा आपका प्लूरल काउंटेबल की प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसके साथ आप नीड्स नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, यू नीड टू रिंग मी अप। आंसर बन जाएगा आपका यहां पे फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी, इन केस यू नीड टू रिंग मी अप। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कहता है डेजर्ट, डेजर्ट, डिसेंट, आपका डिस्क्राइब और डिसर्न। तो डेजर्ट मतलब आपको पता है, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और डेजर्ट मतलब आपका ये भी हो जाता है किसी को छोड़ के जाना, ठीक है। डिसेंट मतलब हो जाता है आपका किसी चीज, कोई चीज डिसेंट कर रही है, यानी कि आपका एक होता है डिसेंट, एक होता है डिसेंट। तो डिसेंट मतलब हो जाता है एक्शन ऑफ कमिंग डाउन, जैसे एक्सेंट हो जाता है आपका, एक्सेंट एस्केंट हो जाता है ऊपर बढ़ना, डिसेंट हो जाता है आपका नीचे गिरना। डिस्क्राइब मतलब कुछ लिखना, डिस्क्राइब करना, और जो सही शब्द होता है आपका, जो स्पेलिंग जिसकी यहाँ पे गलत है वो है आपके डिसर्न की। डिसर्न का मतलब हो जाता है आपका डिटेक्ट आपका, तो यहाँ पर आई होता है, आई होगा डिसर्न के लिए, सिनोनिम आपका इसका होता है डिटेक्ट, ठीक है, कुछ पकड़ना, कुछ रिकॉग्नाइज करना। तो आंसर यहाँ हो जाएगा फोर्थ। 33 कहता है आपको इसमें एरर बताना है। क्वेश्चन लिखा है द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ स्पेशल सर्विलांस सेल फॉर डिप्लोमेटिक प्रोन डिसीज, फॉर एपिडेमिक प्रोन डिसीज एट फ्लड रेवेज्ड बिहार। इसमें आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द एरर इन दिस, व्हाट इज द ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस। क्वेश्चन है द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ स्पेशल सर्विलांस सेल। सर्विलांस सेल का मतलब होता है जो कि नजर रखेगी सभी चीज पर, कड़ी निगरानी करेगी, ठीक है, क्लोज नजर रखना किसी चीज पे ऊपर, ठीक है। सेल फॉर एपिडेमिक प्रोन डिसीजेज एट फ्लड रेवेज्ड बिहार, तो एट फ्लड रेवेज्ड बिहार नहीं होगा, सही शब्द होगा यहां पर इन फ्लड रेवेज्ड बिहार। तो आंसर यहां होगा आपका फोर्थ पार्ट में एरर मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, इसका आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है।
ऑप्शन दिए हैं, वर्क अगेंस्ट ऑल प्रॉब्लम्स, वर्क लेट इन द नाइट, वर्क विद कॉन्सेंट्रेशन, वर्क इन ग्रेट हरी. तो वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब हो जाता है जल्दी जल्दी से काम करना. तो आंसर बनेगा वर्क इन ग्रेट हरी, बहुत जल्दबाजी में काम करना. ठीक है, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मतलब हुआ वर्क इन ग्रेट हरी. ठीक है, जल्दी जल्दी से काम करना, यानी कि आप क्लॉक से तेज चल लो कहने का मतलब. यहाँ पर अगेन फिर उन्होंने रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, कह रहा है बिहोल्ड, बीनीथ आपका बेंच और बिगिन. बिहोल्ड मतलब किसी चीज को होल्ड करना, बिनीथ की स्पेलिंग गलत है, ये होना चाहिए आपका बिनीथ इस तरीके से. ठीक है, बिनीथ की स्पेलिंग आपकी हो जाएगी बी ई एन ई ए टी एच. ठीक है, तो बिनीथ की स्पेलिंग, बिनीथ का मतलब होता है किसी के नीचे दबा हुआ. ठीक, तो ये एक सेकंड, मैंने ई लगा दिया, ई नहीं होगा, इसको लिख लो फिर से, सही स्पेलिंग होगी इसकी बिनीथ. ठीक है, मतलब किसी के नीचे दबा हुआ. इसके बाद बेंच आपको पता है, बिगिन मतलब होता है कुछ किसी चीज को शुरुआत करना. क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है ओनली डैश गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे. कहने का मतलब है, अगर वो ओनली कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम बच्चे प्रेजेंट थे. तो ओनली सेवरल ऑफ गर्ल्स नहीं हो सकता, ओनली मैनी गर्ल्स नहीं होगा, ओनली अलॉट ऑफ गर्ल्स भी नहीं होगा. आंसर हो जाएगा ओनली अ फ्यू गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, यानी कि कुछ ही गर्ल्स जो क्लास में थी आज प्रेजेंट थी. क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द फील्ड, व्हाट विल बी फील्ड हियर. कहता है यू मस्ट अपोलोजाइज डैश द पनिशमेंट. तो यू मस्ट अपोलोजाइज डैश द पनिशमेंट, कहने का मतलब है आज जिस तरीके के शब्द दिए हैं वो कह रहा है अगर आपको पनिशमेंट से बचना है तो आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा. तो सही शब्द यहां क्या होगा, यू मस्ट अपोलोजाइज टू एस्केप द पनिशमेंट. एस्केप मतलब बचना, एस्केपिंग, एस्केप, एस्केप्स नहीं होगा, सही शब्द होगा एस्केप. यू मस्ट अपोलोजाइज टू एस्केप द पनिशमेंट. टू एस्केप, देखिए टू प्लस वर्ब फर्स्ट क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में लगता है तो ये क्या बताता है, पर्पस. इसलिए यहां पर आपका क्या आ जाएगा, टू एस्केप. क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है एंटोनिम बताइए इसका क्या होगा इनिशिएट का. तो इनिशिएट मतलब हो गया किसी चीज को शुरुआत करना, सिनोनिम हो गया बिगिन. ट्रिगर मतलब किसी चीज को तेजी कर देना, कमेंस मतलब भी सिनोनिम हो गया. एंटोनिम पूछ रहा है आंसर क्या हो जाएगा, फिनिश. ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन ये. क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछ रहा है टोमेटोज सोन अराउंड जुलाई इन द सदर्न स्टेट्स आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर. इसमें आपको एरर बताना है क्या होगा, इसको इंप्रूवमेंट बताना है. टोमेटोज सोन अराउंड जुलाई इन द सदर्न स्टेट्स आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर. तो कह रहा है टोमेटो सो अराउंड, तो सो अराउंड क्यों होगा, जब अगर आप पास्ट में लिख रहे हो तो सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा. सोइंग अराउंड के लिए आपने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, सोन अराउंड के लिए आपने कोई हेल्पिंग आप वर्ब थर्ड क्यों लगाओगे. आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. टोमेटो सोन अराउंड जुलाई, यहाँ पर अंडर जुलाई नहीं हो सकता, इन्होंने ये डिफरेंस दिया, ये गलत है. और टोमेटो सोन अराउंड जुलाई इन द सदर्न स्टेट्स आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर. चलिए नाउ लेट्स डू द क्लोज टेस्ट. इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बारी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसे अटेम्प्ट कीजिएगा तो बेहतरी से समझ पाएंगे आप इसे. चलिए, खैर क्वेश्चन कहता है आपका आफ्टर कॉफी हैड बीन सर्व्ड इन डिफरेंट साइज्ड कप्स एंड मग्स द चीफ रोज डैश हिज प्लेस एट द हेड ऑफ द टेबल. तो चीफ रोज, अब वो अपने प्लेस से खड़े हुए हैं ना, तो प्लेस से खड़े हुए हैं तो इनटू नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, टू नहीं होगा. आंसर हो जाएगा चीफ रोज फ्रॉम हिज प्लेस, अपनी जगह से खड़े हुए. क्या हो जाएगा, चीफ रोज फ्रॉम हिज प्लेस एट द हेड ऑफ द टेबल. टेबल के हेड पर फ्रॉम ही सही जवाब यहां पे बनेगा. उसके बाद कहता है ऑफ द टेबल डैश अ स्पीच ऑफ वेलकम. अभी मैंने आपको बताया कि हम इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटिव का उद्देश्य बताने के लिए. तो क्यों खड़े हुए अपनी टेबल से, स्पीच को डिलीवर करने के लिए. तो मेक नहीं होगा, मेक्स या मेड नहीं होगा, आंसर हो जाएगा टू मेक अ स्पीच ऑफ वेलकम, स्पीच ऑफ वेलकम को कहने के लिए. ठीक, फिर कहता है वेलकम डैश अजीज ट्रांसलेटेड, डैश अजीज ट्रांसलेटेड. तो एट फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ द हैव प्लेस एट द हेड ऑफ द टेबल डैश स्पीच ऑफ टेबल, यानी कि टू मेक अ स्पीच ऑफ वेलकम डैश अजीज ट्रांसलेटेड. अब अजीज ने क्या ट्रांसलेट करा उस स्पीच को, तो ऑब्वियसली स्पीच के लिए हुम या फिर हु या फिर व्हाट नहीं आएगा, क्या आएगा, विच, क्योंकि स्पीच कोई पर्सन नहीं है जो हु आए या हुम आए, व्हाट भी यहाँ पे होगा नहीं, विच अजीज ट्रांसलेटेड विल बी करेक्ट आंसर. इसके बाद बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि स्कॉट मेड अ शॉर्ट डैश. स्कॉट ने क्या किया, शॉर्ट डैश, शॉर्ट रिप्लाई विल बी विद द करेक्ट आंसर. देखो रिस्पॉन्ड क्या है यहां पर, वर्ब, और अ शॉर्ट के बाद आपको यहां लगाना है नाउन, तो वर्ब आ नहीं सकता इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं होगा. रिस्पॉन्स होता तो हो सकता था. रिज्वाइन करना, किसी चीज को दोबारा ज्वाइन करना, उसका कोई सेंस नहीं है. रिटॉर्ट का मतलब हो जाता है कोई आपने
आपने ऐसा जवाब देना किसी को, लेकिन दैट इज ऑल्सो किसी को बहुत ही विटी और बहुत ही एक तरीके से टॉन्ट मारने जैसा जवाब देना, ठीक है। तो रिटॉर्ट क्या हो जाता है, क्विक एंग्री और ह्यूमरसली रिप्लाई, ठीक है, क्विक एंगर और मतलब गुस्से में और ह्यूमरसली रिप्लाई, अ क्विक एंगर ह्यूमरस रिप्लाई, ठीक है, तो एक तरीके से टॉन्ट मारने जैसा होता है। तो सही जवाब यहां होगा रिप्लाई, which was applauded even before Aziz had been given the dash to interpret what he said. तो अजीज को क्या दिया गया, probability नहीं दिया गया होगा, moment नहीं आपको दिया गया था, उसको क्या दिया गया, chances दिया गया, given the chances to interpret will be the correct answer, ठीक है, chances जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45 कहता है आई मेड देम क्लीनिंग द रूम थॉरली। तो देखो इन्फिनिटिव पर कई सवाल पूछे गए हैं इस पूरे पेपर में आपको, इसीलिए मैं नॉन फाइनाइट बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। आंसर यहाँ बनेगा मेड देम क्लीनिंग, बेटा मेक हेयर वॉच फील, ये सब आपके क्या होते हैं, आपके बेयर इन्फिनिटिव्स होते हैं, ऑल दीज आर बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव्स का मतलब हो जाता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, इन्फिनिटिव तो है लेकिन टू के बिना, वर्ब फर्स्ट का इस्तेमाल होगा बिना टू के, तो आप मेड देम क्लीन होगा डायरेक्ट यहां पर, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं, मेक देम क्लीनिंग नहीं, मेकिंग देम क्लीनिंग नहीं, आंसर हो जाएगा आई मेड देम क्लीन, आई मेड देम क्लीन द रूम थॉरली विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं, कहता है व्हेन द पीएमसी बैंक फेल्ड मैनी पीपल्स लाइफ्स वर रूनिंग। तो जब पीएमसी बैंक फेल हुई तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है रून वर रूनिंग, अगर आप कह रहे हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस हुआ, यानी कि एक शॉर्ट टाइम में हो रही थी, ऐसा नहीं है। जब पीएमसी बैंक फेल हुई तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब हुई, तो ये एक परमानेंट चीज है जो कि पास्ट में, पास्ट का एक इवेंट है, ठीक है। लाइफ्स है तो उसके साथ वर ही आएगा, ये सही है, इसलिए वॉज नहीं होगा, हैज नहीं होगा। बचा आपका एक ऑप्शन वर रूंड, तो ये वर रूंड ही होगा क्योंकि पास्ट का एक इवेंट है, और यहां पर ये वर रूंड इसलिए क्योंकि ये पैसिव वॉइस हो गया आपका, पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है आपसे स्टेबल का, स्टेबल मतलब स्थिर, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, शेकी, जो हिल रहा है, रिलायबल हो गया मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, टफ हार्ड इवन आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेरेंट, अपेरेंट का सिनोनिम क्या होगा, अपेरेंट मतलब हो गया जो बहुत ही क्लियरली विजिबल है, तो आंसर यहां पर बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा ऑब्वियस, डाउटफुल डुबियस और ऑब्स्क्योर जो है इसके आपके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, कह रहा है डाइव, डिवाइन, डिवाइड और डेविएट। डेविएट मतलब होता है पाथ से भटक जाना, टू गो अवे फ्रॉम पाथ, ठीक है। डिवाइड किसी को डिवाइड करना, डिवाइन आपका होगा, डिवाइड डिवाइन मतलब हो गया गॉडली या आप दिव्य कह सकते हैं जिसे, डाइव मतलब कूदना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वट इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कंज्यूम, कंज्यूम मतलब हो जाता है किसी चीज को खा जाना, तो सेव आपका एंटोनिम हो जाएगा मतलब बचाना, अब्जॉर्व, डिवाउर मतलब हो जाता है ठूस ठूस के खाना, एग्जॉस्ट मतलब खत्म करना, तो ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, कंज्यूम का एंटोनिम आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। सो दीज वर द 50 वर्ड्स जो कि हमने इस पेपर में डिस्कस किए। अगला नेक्स्ट हमारा जो पेपर होगा वो होगा 11th दिसंबर Shift-1 का पेपर, उसका डिस्कशन हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। आप सभी ने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लो, AMANT, ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 8299117042 पे, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो aman.sscmentor@gmail.com पे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे हेड, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। अगर आपका कुछ सजेशन है, आपको कुछ कहना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराइए, थैंक यू सो मच।